नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कल रामविलास पासवान की बरखी थी। बरखी में सभी राजनेता, मुख्य रूप से तेजस्वी यादव, राज्यपाल माननीय फागू चौहान सहित अन्य नेतागण उपस्थित हुए। चिराग पासवान के विरोधी कहे जाने वाले पशुपति पारस, सूरजभान सिंह आदि ने भी पहुंचकर रामविलास पासवान के बरखी में पुष्प अर्पित किया। लेकिन जो चर्चा बनी रही शाम तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं उपस्थित हुए और उन्होंने उपस्थित न होकर दलित विरोधी खेमा को बोलने का मौका दिया। नीतीश कुमार की नहीं पहुंचने पर चारों ओर चर्चा होने लगी कि रामविलास पासवान के बरखी में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, दलित विरोधी हैं। यही नहीं, प्रिंस पासवान जो रामविलास पासवान के चचेरे भतीजा हैं और चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, वह भी नहीं पहुंचकर अपने पारिवारिक मतभेद को उजागर किया। जो भी हो, रामविलास पासवान के मृत्यु होने के बाद उनकी जो पार्टी में टूट हुई, जो उठा पटक हुई, उसके बाद चाचा भतीजा एक होते दिखे। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने जो उम्मीदवार बिहार में खड़ा किया, नीतीश कुमार को जो नुकसान पहुंचाया, ऐसा मानो लगता है कि नीतीश कुमार अब तक उसे भूल नहीं पाए। नीतीश कुमार का यह रुख देखकर लोग नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उस दर्द को नहीं भूल पाए कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने उनको हरा दिया, सीमित कर दिया, तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया और इस दर्द को वह नहीं भूल रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रामविलास पासवान दलितों के एक बड़े नेता थे और अब उनकी मृत्यु के बाद बरखी में जाना एक संस्कार वाली बात कही जाती है और एक प्रोटोकॉल है कि उसमें जाना चाहिए। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और पत्नी रीना पासवान शाम तक इंतजार करती रही, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने से दलितों में काफी क्षोभ देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान के विरोधी चिराग पासवान के विरोधी नीतीश कुमार हैं, जो उनके आचरण के विरुद्ध यह काम है, उन्हें आना चाहिए और आकर बरखी में भाग लेना चाहिए। तेजस्वी यादव के अलावे कई नेतागण उपस्थित हुए, होकर बरखी में भाग लिया, लेकिन नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हुए, जो चर्चा का विषय बना रहा। अब इसे किस एंगल से कौन से लोग देख रहे हैं, लेकिन दलित विरोधी एंगल ही ज्यादा कारगर प्रतीत होता है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।